जीवाभय प्रदानस्य कुलयापि समानेनो भगवान बद्रिकाश्रम में अहो बोल्या अभयदान जेवो कोई दान नथी संतो तमे अभयदान आपो छो। भारतनी प्रजा सुखी तो छे ने मर्यादा में पालन तो अद्भुत प्रश्न केरो प्रभु ये चिंता करे छे भगवान बद्रिकाश्रम में बैठा बैठा। भगवाने जारे भारत की परिस्थिति विषय पृच्छा करी संतो ने आंखों में आंसू आवी गया। प्रभु हम क्या बताए, भारत की दशा नु वर्णन थई शके एम नथी। प्रभु रोने लगे सब संतन, गिर गए चरणारविंद में। प्रभु सारा भारत पाप में डूब गया है, मर्यादा नष्ट प्राय थई गई छे। संस्कृति आज रो रही है, धर्म नु नाम निशान नथी रह्यो। महाराज मंदिरों सुमसाम पड़ा छे, थिएटरों पर लान लागी छे। केवल पापाचार करे छे लोको। महाराज कथा मंडप खाली पड़ा छे, मेलाओ भरचक भर्या छे, सत्संग करवानी कोई ने फुर्सत नथी, सत्यवाद जानवानी कोई नी तैयारी नथी। सत्यम शोचम दया दानम न विद्यते, सत्यम शोचम दया दानम न विद्यते, उदर भरिणो वरा कहा कुटभाषीण। महाराज ये दशा है आज भारत वर्ष की। सत्य निष्ठ प्राय थयो, शौच कें जोवा नथी मळतु, दया दान तप जप त्याग वैराग्य तितिक्षा लीन भया छे। पेट ने माटे लोको पाप करे छे, उदर भर केवल उदर भरवानी जा सकती छे। एना माटे गम्मे एवा पाप करे, खोटू बोले, अनीति करे, कपट करे, हिंसा करे। महाराज क्या बताए, गायोनी कतल थई रही छे ठेर ठेर, दारू पान करे छे, मांसाहार करे छे, लोको व्यभिचार करे छे, जुगार खेले छे, एक एक पाप करे छे। हे संत भव रेड्या, कृपानाथ बचा लो भारत वर्ष को। महाराज अब के सिवा कौन है बचाने वाला। रड़ता रड़ता संतो ए भगवान ने प्रार्थना करी, धन्य छे संतो ने विना स्वार्थे भारत वर्ष की चिंता संतो करे छे। हमारे लिए वहां पे मीटिंग चल रही है, हमारी पार्लियामेंट तो बद्रिकाश्रम में है, दिल्ली की पार्लियामेंट हमें नहीं बचा सकेगी। ये खुद सलामत नहीं, अपनी सुरक्षा करवाने अपनी पार्लियामेंट बद्रिकाश्रम, भगवान ने संतो अपना माटे चिंता तुर बने छे। शू करिए तो भारत वर्ष सुखी थाय, चर्चाओ चाले छे बद्रिकाश्रम। संतो ये रड़ता रड़ता निवेदन कीरू छे, भारत वर्ष नी दशानु निवेदन। महाराज लोको दीकरियों ने वेची रिहा छे,
केरे केर कंकाश कलेश झगड़ा थे रियाज कलयुगे सर्वत्र साम्राज्य स्थाय पूछे पोताना लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम कन्या विक्रयिनो ये दिशा है कन्या नु दान करा हमारी संस्कृति में कन्या दान ऐसा शब्द लिखा है इन्हें वेचाय नहीं भारत वर्ष में कलयुग व्यापो तो लोको कन्या ने वेचवा में दिया संतोए निवेदन कर्यो इति ऋषिणां वचः श्रुत्वा सजात करुणः प्रभुः भगवान ने आंखों में आंसू आवी गया ओहो ये दिशा भारत वर्ष ने माटे प्रभु चिंता तुर बेने पातो में इच्छत अधर्मात स्वाहा अपता दूर भोये भूभी प्रजा तुरत प्रभु ये निर्णय कर्यो अब मुझे प्रकट होना चाहिए मेरे बिना पापाचार कैसे बंद होगा कौन अजूर का नाश करेगा प्रभु ये की केरू अब मुझे प्रकट होना चाहिए अधर्म जारे जारे खूब फूले फाले सद्धर्म नु स्थापन करवाने माटे भगवान पधारे छे परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च अनिमित उभो करवानो छे प्रकट थवा माटे नो निमित्त संतोए प्रार्थना करी तो प्रभुए निर्णय कर्यो चिंता तो संतो ने भगवान ने छे आपणने शुं चिंता कारण के स्थापना एने करी छे संस्कृति नी लोए एमणे रेड्या छे सहन एमणे कर्यु छे एटले बापनी कमाई पर दीकरो तागड़ धीना करतो होय ने एने चिंता ना होय पण बापाए मजूरी करी करी भेळू कर्यु होय ने ए ज्यारे नष्टपाय थतुं जोवे त्यारे चिंता बापने थाय छे એમ આપણે બધા બાપની સંપત્તિ ઉપર તાગડ દિન ના કરે સંતોએ ભગવાનને મહેનત કરીને આ બધું આપી દીધું શાસ્ત્રો આપ્યા મંદિરો આપ્યા મર્યાદાઓ બધું આપી દીધું આ નિયમ છે આ પ્રમાણે રહેશો તો મોક્ષ થશે પણ આપણને ડાયરેક્ટ મળ્યું છે એટલે આપણને એની ચિંતા નથી નષ્ટ થવું હોય તો થાય આપણને શું વાંધો સંતોએ દાખલો કર્યો છે એમના લોહી રેડાણા છે એટલે ચિંતા તુરબેન એટલે પ્રભુને પ્રાર્થના કરી મહારાજ कृपानाथ कृपा करो सूरत महर्षि कहे छे प्रताप सिंह सौ बेढ़ा छे चर्चाओ चाले छे एज वक्ते धर्मदेव अने मां मुक्ति देवी पधार्या भगवान ना माता पिता प्रभु उबाधिया स्वागत पूजन क्रिया बेढ़ा छे उद्धव बेढ़ा छे भगवाने माता पिता ने सघळो वृत्तांत कह्यो छे भारत वर्ष नो ऋषिमुनिओए जे वृतांत कह्युं हतुं के प्रभुए कह्युं पिताश्री आज भारत वर्ष की ये दशा है सारा भारत पाप में डूब गया है अब क्या करना चाहिए जबरदस्त चर्चाओ थाय छे भगवान नी वात सांभळवामां सौ संतो ऋषिमुनिओ एकाग्र बन्या छे एक चित्ते सांभळे छे भगवान ना मुखनी सामे दृष्टि छे किसी को कुछ पता ही नहीं है देह नु भान भूले अने वात सांभळवामां एकाग्र बैठा छे एज वक्ते नारायणे चे तद्वार्ता कथन एकाग्र चेतसी तेनांतः प्रेरितस्तत्र दुर्वासा मुनिराय भगवान नी प्रेरणा थी दुर्वासा नु आगमन नारायणे च तद्वार्ता कथ एकाग्र जे वक्ते एकाग्र बैठा हता एज वक्ते दुर्वासा पधार्या निमित्त बनावू छे बद्रिकाश्रम अक्षराधीश ने इच्छा थई कि हवे मारे आ भूलोक में प्रगट थवो छे पण अक्षरधाम में निमित्त बने एवी कोई शक्यता नथी त्यां कोई विकार नथी क्रोध तो कोई ने आवे ज नहीं तो शाप कोण दे अक्षरधाम तो दिव्य धाम छे निमित्त नी शक्यता नहोती एटले निमित्त बद्रिकाश्रम ने बनाव्यो ભગવાને અક્ષરાધીશે નરનારાયણ ભગવાનને પ્રેરણા કરી તમને નિમિત્ત બનાવીને અમે પ્રગટ થનાર છીએ